ओम शांति। तो जो विशेष प्रोग्राम चल रहा है फैमिली के ऊपर, बिकॉज आवर फैमिली इज आवर स्ट्रेंथ, है ना? रिश्तों के बिना क्या चलता है इस दुनिया में? लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहाँ आते हैं? रिश्तों में ही तो आते हैं ना, फैमिली में ही तो आते हैं। और बहुत बार ये प्रश्न भी उठता है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले? तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि फैमिली को स्ट्रेंथ बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने तो शुरुआत की पहले खुद से, राइट? फिर प्रकृति है, हमारा परिवार है, ये विश्व भी हमारा परिवार है, फिर परमात्मा को भी इंक्लूड कर दिया हमने रिश्ते में। और होपफुली आप सभी मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बाबा से बातें भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक ही है सहारा जो सभी रिश्तों को सुधार देता है। तो आजकल हम देखते हैं रिश्तों में टकराव आने का मुख्य कारण क्या है, क्या सोचते हो? रिश्तों में टकराव क्यों आता है? कोई चैट बॉक्स पर बता सकता है? देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम्स मालूम नहीं पड़ते ना, तब तक हम, यस, वेरी गुड, ईगो, मेनली ईगो, राइट? कि मैं जो, वी आर नॉट गिविंग टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यस यस। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, ईगो है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, हाँ, मुझे तो बात करना पसंद नहीं आता है, क्या बात करें, हाँ? या फिर ईगो आ जाता है, या हम समय नहीं दे सकते क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग कर दी, डिफरेंस इन ओपिनियंस, यस डेफिनेटली। ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो ये डिफरेंस इन ओपिनियन कहो, ईगो कहो, ये सब चीज़ें क्या है? अगर हम ठीक तरह से देखें तो रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने का कारण ही है हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसी में सब कुछ ये आ जाता है, ईगो है, या फिर जैसे किसी ने कहा है, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, मीन्स आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, व्हाट आई थिंक दैट इज द वे, दैट इज द राइट वे, ये ईगो है। तो मेन चीज़ जो रिश्तों को सुंदर बनाने की है, उसमें फाउंडेशन जो है वो है एक्सेप्टेंस। किस किस को एक्सेप्ट करें? परिवार में तो हर कोई अपने अपने तरीके से बिहेव करता है, हम कैसे एक्सेप्ट करें? चलो उनको थोड़ी देर बाजू में रखते हैं, पहले क्या हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और जब हम ही खुश नहीं है तो दूसरों को खुश कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं एनर्जी ही ऐसे जनरेट कर रहा हूँ, इरिटेशन की है, गुस्से की है, दुख की है, पेन की है, हर्ट की है, तो दूसरों को क्या दूंगा मैं? बाहर से तो सभी काम कर रहे हैं, हस्बैंड की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी। जस्ट इमेजिन यूर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप जॉब में हो और आपको वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपका रोज का दिन कैसे जाएगा? सुबह उठते ही, अरे बाप रे, फिर से वो काम करना है, फिर से, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन क्या मन खुश है? और अगर मेरा मन खुश नहीं है तो क्या मैं दूसरों को खुश कर सकता हूँ? अपने आप को चेक करना है। हम आजकल सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? हम दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन है, आप मुझे अप्रिशिएट करो, आप मुझसे अच्छी तरह से बात करो। जब आप अच्छी तरह से बात करते हो ना, तब मैं खुश होता हूँ। आजकल यूथ में भी क्या है, ये बहुत बार देखा है, ही डजंट लव मी, शी डजंट लव मी, और इसलिए मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ। अपने आप को टोकते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट पिक्चर डालेंगे और फिर क्या कहेंगे, कितने लाइक्स आए उस पिक्चर को, ज़्यादा लाइक्स क्यों, इस पिक्चर को कम लाइक्स क्यों। व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे, अरे आपने मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसके मैसेज को तो रिप्लाई किया, मेरे मैसेज को क्यों नहीं रिप्लाई किया। हम ऑलवेज, जब हम अपने अवेयरनेस में नहीं रहते तो हम चाहते हैं कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे अप्रूव करे, वी ऑलवेज लुक फॉर दैट अप्रूवल, क्योंकि हमने अंदर एक इक्वेशन बना दिया है, जब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे,
जब लोग मुझे अप्रूव करेंगे तब मैं गुड हूँ। और ये बचपन से सिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। कोई गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं बच्चे थोड़ा डांस करके दिखाओ, बच्चे थोड़ा ABCD पढ़कर दिखाओ, और फिर सब तालियां बजाते हैं। तो बच्चे में संस्कार क्या हो गया, जब सभी अप्रिशिएट करते हैं, जब सभी तालियां बजाते हैं, देन आई एम गुड, अदरवाइज आई एम नॉट। पहले दिन किसी ने प्रश्न पूछा था ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर करें, ये इसका कारण है। हम अपना अप्रूवल दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। चलो आज मुझे 10 लोगों ने अप्रिशिएट किया, कल वही अप्रिशिएट करेंगे, पॉसिबल है? नहीं। 10 लोगों ने अप्रिशिएट किया, 11वां कोई मिल ही जाएगा ना जो रिजेक्ट करेगा, फिर कैसे डील करेंगे? तो हम दो चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं जब हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो एक तो है इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं ही रॉन्ग हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं पसंद करता, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, अपने आप को कोसते रहते हैं, या फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, ये मुझे कभी, इसको मैं कभी अच्छा नहीं लगता हूँ, इसके लिए मैंने कितना किया फिर भी ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। फैमिली में बातें बहुत बार होती हैं, क्योंकि इसका बेसिक है मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। खुद को एक्सेप्ट करना माना क्या, अपनी विशेषताओं को स्मृति में लाना, अपनी विशेषताओं को स्मृति में लाना। कौन कौन सी विशेषता है मुझ में? हम कितना दिन अपने आप को कोसते रहते हैं, स्पेशली जिसमें इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है ना, वो बहुत बार अपने आप को कोसता रहता है अंदर। लेकिन मुझ में है विशेषता, कौन सी विशेषता है? लेट्स टेक सम टाइम आउट, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर, ये एक्सरसाइज करें सभी। कम से कम 5 विशेषताएं, किसी को बिना पूछे आज लिखेंगे रात को सोने से पहले, 5 विशेषताएं। क्योंकि जब मुझे मालूम है कि ये मुझ में विशेषता है, देन दैट बिकम्स अ फाउंडेशन, कि अरे ये विशेषता में यूज, अच्छा ये सॉफ्ट स्पोकन है, ये बहुत सरल चित है, ये किसी के बीच में नहीं जाता है, ये हर एक की विशेषता अलग अलग है। हम अपनी विशेषताओं को देखें, वो लिखें नोटबुक में लिखें। तो ये फर्स्ट थिंग है, ये एक्सेप्टेंस। पहले पहले सबसे पहले अपने आप को कहना है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत 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 अच्छा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझ में कमजोरी है तो भी मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं। दो चीज़ें हैं, पहले तो विशेषताओं को एक्सेप्ट करें, और दूसरा मेरी जो कमजोरियाँ हैं ना उसको भी एक्सेप्ट करें कि है मुझ में ये प्रॉब्लम, आई नो दैट, लेट मी वर्क ऑन इट। लेकिन जब हम कमजोरियों के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव एनर्जी बहुत आता है, मुझ में तो गुस्सा है ही, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो फिर जो फाउंडेशन ही निगेटिव है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, पॉसिबल नहीं है। अगर परिवर्तन करना है तो फाउंडेशन पॉजिटिव होना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस डजंट मीन आई एम परफेक्ट द वे आई एम, नो, आई नीड टू चेंज, आई नो दैट। लेकिन पहले तो एक्सेप्ट करने कि ये मेरे मुझ में प्रॉब्लम है। जैसे बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास थोड़े ना जाएंगे, बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी दवाई लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं। और वैसे ही यहाँ पर भी हम अपनी कमी कमजोरियों को देखें, चेक करें, हाँ मुझे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, आई हैव दिस प्रॉब्लम, नाउ व्हाट कैन आई डू, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, परमात्मा से शक्ति ले, अपने ऊपर काम करें। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट इज विद द सेल्फ, मेरा स्वभाव संस्कार जो है जैसा है, पहले तो अपने आप को बोलूं मैं बहुत अच्छा हूँ। सुबह सुबह उठते और आईने आईने में देखते हैं ना चेहरा, अपने को एक सुबह सुबह स्माइल दे दो और कहो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ये जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, परिवार के हर सदस्य को एक्सेप्ट करें। अभी ये बड़ा, ये कभी कभी बहुत बड़ा चैलेंज भी लग सकता है, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है। लेकिन फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, जब घर में अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, क्या हर एक व्यक्ति को सेम गाना पसंद आता है? क्या हर एक व्यक्ति को सेम सब्जी पसंद आती है? लेकिन क्या करते हैं, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग बनाते हैं। अच्छा आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, आपको रॉक म्यूजिक पसंद है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हम बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे मन की स्थिति की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, आप रॉन्ग हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ये ठीक नहीं करना चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एक माँ बाप भी देखो कभी कभी ये भी कहते हैं, माँ बाप जब प्रेगनेंसी होती है ना, और अभी रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ आई, हमारे एक फ्रेंड के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ और उनके माँ बाप ने कहा लेकिन मुझे बेटी चाहिए थी। ये भी हमने क्या कर दिया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इवन टू क्रिएट अ थॉट कि मुझे बच्ची चाहिए थी लेकिन ये बच्चा हो गया, मीन्स वी आर ऑलरेडी सेंडिंग दैट एनर्जी ऑफ रिजेक्शन, हम रिजेक्ट कर रहे हैं उस आत्मा को। तो उसके ऊपर अभी से संस्कार क्या आएगा, रिजेक्शन का आएगा ना। तो हर चीज़ अपने अपने आप को चेक करनी है। जैसे घर में हर व्यक्ति अलग अलग है, उनके स्वभाव अलग अलग है, परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात बताता है, हर कोई आत्मा है और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जैसे फिल्म में अगर हम देखें हर कोई एक जैसा ही डायलॉग बोल रहा है, एक जैसा ही एक्टिंग कर रहा है, तो वो फिल्म आपको नहीं पसंद आएगी, लेकिन वहाँ पर हीरो है, हीरोइन है, सपोर्टिंग एक्टर्स है, विलन्स है, तब एंजॉयबल होती है। सो लाइफ इज ऑल्सो अ मूवी। हम भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टिंग करते हैं ना, रोल्स प्ले करते हैं, कभी बच्चे का, कभी माँ का, कभी पिता का, कभी पति का, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। तो रोल्स अलग हैं और सोल्स भी अलग हैं। तो अगर हम सोल कॉन्शियस होकर देखें, अपने आप को आत्मा समझकर हर एक आत्मा को देखें कि उसका स्वभाव संस्कार भी अलग है, लेट मी एक्सेप्ट हिम। तो एक्सेप्ट करना इसमें क्या अर्थ है उसका, एक्सेप्ट करना माना अब जो हो जैसे हो ना बहुत अच्छे हो। ये फाउंडेशन लेकर अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना, उसको अच्छी बातें बताना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब हम पहले ही थॉट क्रिएट करते ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ये कभी सुधरेगा नहीं, और फिर उसके बाद उसको बताना जाते हैं आप ये अच्छी अच्छी बातें करो, जब फाउंडेशन ही निगेटिव है तो क्या उसके ऊपर कोई अच्छा काम हो सकता है। और इसलिए एक्सेप्टेंस मीन्स आई अंडरस्टैंड, आपका ये स्वभाव है, आपका ये संस्कार है, आई एक्सेप्ट यू, नो प्रॉब्लम, आपको अभी पढ़ाई नहीं करनी, आई एक्सेप्ट यू, लेकिन फिर कम्युनिकेट करें कि पढ़ाई के फायदे क्या है, क्या होगा उससे। पहले से ही ओपिनियन जो बना लेते हैं हम किसी व्यक्ति के बारे में, ये तो ऐसा है वैसा है, वो रिश्तों में दूरी निर्माण करता है। ये एक स्टोरी मैंने सुनी थी बहुत दिनों पहले, एक कपल था दिल्ली में, और उनमें एक भाई जो था वो आईटी प्रोफेशनल था, तो उसको सुबह 6 बजे जाता था ऑफिस को, रात को 9:30-10 बजे आता था, थक जाता था ऑफकोर्स, जो काम करते उनको तो मालूम होगा क्या हालत होती है। और जो बहन थी वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उनके घर में बी केस का एक प्रोग्राम रखा गया था। तो दूसरे दिन बहनें आने वाली थी, घर में कोई प्रोग्राम था, कोई लोग आने वाले थे, और उनके घर में एक बहुत बड़ा ट्रेडमिल था। अभी इसका आंसर आपको चैट बॉक्स पे देना है, ओके। तो उनके घर में बहुत बड़ा ट्रेडमिल था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात को, मैंने कल सुबह से पहले हम ये शिफ्ट कर देंगे ट्रेडमिल दूसरी रूम में, ताकि यहाँ पर जगह बने। लेकिन जब भाई रात को 9:30-10 बजे ऑफिस से आया, तो ट्रेडमिल ऑलरेडी शिफ्टेड था, उसको व्हील्स रहते हैं, ऑलरेडी शिफ्टेड था दूसरे रूम में। तो उसने उस बहन को पूछा कि किसने किया ये, तो बहन ने बोला मैंने किया, वो व्हील्स थे तो मैंने कर दिया। अभी वो भाई को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया कि आप ऐसी हालत में ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन बहन ने कहा अरे आप इतना थक जाते हो, मुझे आपकी चिंता रहती है, आपको आने के बाद मुझे काम नहीं बताना है, इसीलिए मैंने कर दिया ना, और व्हील्स थे, इतना कुछ है नहीं। तो उसके ऊपर दोनों का झगड़ा हो गया। अब दूसरे दिन बहनें आने वाली थी ब्रह्म कुमारी से, तो उन्होंने उनको बताया ये हो गया। तो चलो बहनों ने जो उनको डायरेक्शन देना था दे दिया। लेकिन ये सिचुएशन को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या लगता है आपको, कौन सही है इसमें और कौन गलत है? क्या वो बहन सही है, वो भाई सही है, दोनों सही है? क्या सोचते हो, कौन कौन समझता है, कौन गलत है और कौन सही है? रोशनी बहन बोल रही बोथ आर राइट, बोथ करेक्ट, बोथ आर राइट अकॉर्डिंग टू देम, वेरी गुड। और कोई है ऑब्जेक्शन लेने वाला? देखो बोथ आर राइट, वेरी गुड, देखो सभी बोल रहे हैं बोथ आर राइट। तो अभी क्या करना है मालूम है आपको घर पर, ये बोथ आर राइट जो बोल रहे हैं ना, बोथ आर राइट जो बोल रहे हैं, वो बहुत बड़े न्यूज़पेपर पर, बहुत बड़े पेपर पर लिखो बोथ आर राइट और घर में चिपका दो, क्योंकि
दोनों, क्योंकि हमेशा दोनों सही होते हैं, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है। इस दुनिया में हर एक आत्मा जो भी पार्ट बजाती है ना, वो अपने हिसाब से सही है, अपने हिसाब से सही है। हमें लगता है, हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते तो हमें लगता है ये रॉन्ग है, लेकिन उस वक्त भले वो आत्मा कहे, जैसे देखो हम बहुत बार गुस्सा करते हैं तो भी क्या कहते हैं, अरे गुस्सा करना तो इंपॉर्टेंट है ना, ये समझेगा कैसे। वैसे बाद में हमें बड़े रियलाइज हो जाए कि मैंने जो गुस्सा किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो राइट था। एंड दैट इज वाई एक्सेप्टेंस मीन्स बोथ आर राइट। परिवार में हर कोई सही ही है। जब हम ये फाउंडेशन तैयार करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब से सही है। एंड देन हाँ, इम्पॉर्टेंट इंटेंशन, हर एक का इंटेंशन उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको एक्सेप्ट करो कि उस वक्त उसकी मन की स्थिति कैसी होगी और इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। लेबल नहीं दो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जब हम रॉन्ग का लेबल देते हैं तब रिजेक्शन की एनर्जी आती है। तो परिवार का हर सदस्य अपने हिसाब से सही है, उसको एक्सेप्ट करें। तीसरी बात, हम अपने शरीर को भी एक्सेप्ट करें। शरीर को भी बहुत बार रिजेक्ट करते हैं। रिसेंटली किसी ने मुझे कहा, प्लीज प्रे फॉर माई हेल्थ। शायद उनको तबीयत की कोई तकलीफ थी, शरीर की कोई तकलीफ थी, तो मैंने वही सोचा है, चलो हम उसके लिए अच्छी भावना भी तैयार करें, उसके लिए योग भी करें कि चलो इसका तबीयत अच्छी हो जाए, लेकिन क्या मैं अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह से सोच रहा हूँ? जी मैं तो मोटा हूँ, जी मैं तो काला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से सुंदर नहीं हूँ। हम अपने शरीर को रिजेक्ट जितना करेंगे ना, शरीर में व्याधि उतनी बढ़ेगी, निगेटिव एनर्जी जा रही है बार 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 बार। अगर मेरा शरीर बीमार है, बार 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 उसका चिंतन कर रहे हैं, मैं तो बीमार हूँ, इतनी दवाई खानी पड़ती है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों हो गया, जितना ये चिंतन चलेगा बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि माइंड ओवर मैटर, मन में जो संकल्प चलते उसका असर इस शरीर पर होता है। तो क्या है, शरीर को भी क्या कहें, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि जब तक मैं शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये शरीर भी बहुत तंदुरुस्त है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हेल्दी। चलो ये दो तीन चीजें, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी हेल्दी, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। और चौथी बात, हमारी जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन दौलत है, उसको भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कंपैरिजन होता है, उसके पास ये आया, मेरे पास ये नहीं। और ऐसी चीजें हमें कभी भी सुखी नहीं बनाती है। हमारे पास एक्चुअली ना जरूरत से ज्यादा बहुत कुछ है, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को बढ़ा दिया है। दाल रोटी खाएंगे, खुश रहेंगे, लेकिन हमें रोज पिज्जा चाहिए, तो प्रॉब्लम होगी ना। और इसीलिए अपने आप को एक्सेप्ट करें, मेरे पास जो है जितना है ना, जरूरत से ज्यादा है। ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स है, जो पॉजिटिव फ्लो करती है, पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करती है। तो खुद को एक्सेप्ट करें, अपने शरीर को, अपने परिवार वालों को और अपने प्रॉपर्टी को। यस, नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद, नाउ व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू डू। एक्सेप्ट करना माना, चलो मैंने तो बहुत कमा लिया, मेरे बैंक में 10,000 रुपए अभी हो गया, नहीं कमाओ ना ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक है रोते 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 कमाना, कंपेयर करते कमाना, उसमें एनर्जी निगेटिव जा रही है। एक है आई ऑलरेडी हैव इनफ, बट देन आई हैव दिस आर्ट, मुझ में ये कला है, तो मुझे और उसको बढ़ाना है, और जो कमाने की कला है, मेरी आईटी प्रोफेशन है, मुझे बढ़ाना है, कोई बात नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन एनर्जी कौन सी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में तो अलग अलग आत्माएं आएंगी, अलग अलग संबंध संपर्क में आएंगे, बट क्रिएट दैट थॉट कॉन्स्टेंटली, कॉन्शियसली। क्या थॉट क्रिएट करना, ये आत्मा जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा है, ये भी परमात्मा की संतान है, ये भी बहुत प्रेम से भरपूर है, शांति से भरपूर है, ऐसा थॉट करके फिर उसको एक्सेप्ट करो, और फिर देखो आपके रिश्ते बदलते जाएंगे। तो आज हम मेडिटेशन एक्सेप्टेंस के ऊपर ही करेंगे, तो 10 मिनट अभी मेडिटेशन होगा, हम अपने आप को एक्सेप्ट करो करें। तो
तो ये होमवर्क सभी करेंगे, रात को सोने से पहले अपनी कम से कम 5 विशेषताएं लिखें, किसी किसी से बिना पूछे। सुबह उठेंगे, एक स्माइल दे दो आईने के सामने जाके और कहो, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। फिर हम कल सुबह एक एक्सरसाइज करें, अपने परिवार वालों की विशेषताएं देखें, क्योंकि जब तक विशेषताओं की प्रैक्टिस, हमें निगेटिविटी देखने की बहुत ईजी आदत हो गई है, तो ऐसा है वैसा है कहने की, लेकिन थोड़ा समय निकाल के विशेषताएं देखें तो रिश्तों में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट। सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे। बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा परमधाम से मुझ आत्मा के ऊपर अनंत प्यार की किरणें बरसा रहा है। मैं परमात्म स्नेह की अनुभूति कर रहा हूं। यही परमात्म स्नेह मुझे हर एक चीज को सही दृष्टिकोण से देखने का नजरिया देता है। मैं अपने जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी व्यक्ति है, उन सब को एक्सेप्ट करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। मुझ में बहुत विशेषताएं हैं। अपनी विशेषताओं को थोड़ा स्मृति में लाए।
अब मुझे इन विशेषताओं को अपने हर दिन के व्यवहार में जरूर लाना है। मैं अपने शरीर को भी एक्सेप्ट करता हूं। मेरा शरीर बहुत सुंदर है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा हर कार्य कर सकता हूं। मेरा शरीर एकदम हेल्दी है। ये परमात्मा की देन है, इसीलिए मैं इसको बड़ी खुशी से स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आने वाली हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी है। वो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। उनके अपने अपने स्वभाव है, संस्कार है। कोई भी गलत नहीं। सभी अपने अपने हिसाब से एकदम सही है। मैं मेरे हर एक फैमिली मेंबर को, मेरे संबंध संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को, वो जो है जैसे है, एक्सेप्ट करता हूं। सभी बहुत अच्छे हैं। हर एक आत्मा के साथ मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है। मेरा घर, मेरा पैसा, वैभव जो भी है मेरे पास, ये सब स्थूल चीजें, ये भी मुझे जरूरत से ज्यादा मिली है। ये भी मुझे भगवान ने दी है। इसीलिए मैं इन्हें भी बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता हूं। मैं बहुत धनवान हूं। मेरे पास जितना है उसमें मैं बहुत खुश रह सकता हूं। परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया है कि मुझे उसने हर वो चीज दी है जिसकी मुझे जरूरत है। परमात्म शक्ति से,
परमात्म स्नेह से। मैं आज पूरा चित्र देख रहा हूं, कितना कुछ मिला है मुझे। तो हर उस वस्तु को, हर उस व्यक्ति को या अपने आप को मैं स्वीकार करता हूं और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई जी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। राजेश जी, आप हैंड रेस किए हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। क्वेश्चन ये कि जो 95% अच्छाइयां है और 5% समझो कमजोरियां है, निगेटिव है जी। तो 95% की तरफ हमारा माइंड नहीं जाता, वो कम जो है 5% उसकी तरफ जाता है, तो वो उसके लिए क्या कारण हो सकता है, वो उसका रीजन क्या रहा? हाँ, वो एक्चुअली आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि कंपैरिजन की आदत बहुत ज्यादा है हर एक में, और हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, खुद को नहीं देखते हैं। और इसलिए दूसरों को देखने के कारण क्या हो जाता है कि उसके पास वो है, मेरे पास भी ये नहीं है, और इसलिए अपने पास जो नहीं है उसके प्रति ज्यादा फोकस जाता है। लेकिन अभी जब परमात्मा के हमें योग सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है, तो उसमें पहली बात वही बोलता है कि आप में पहले जो विशेषता है ना, उसका चिंतन करो, उसके लिए पहले खुद को देखो। तो ये आदत को ही तो परिवर्तन करना है। मेडिटेशन माना क्या है, जो हमने आदत बनाई है ना, निगेटिव को देखना, निगेटिव को सोचना, अभी उसी को तो परिवर्तन करना है ताकि फिर मेरा जीवन सुंदर हो। तो ये कंपैरिजन की आदत ही हमें पहले बदलनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। रोशनी जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, कुछ चीजें को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे बस में भी नहीं होती, हम उन्हें चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कैसे एक्सेप्ट करें? माना जो चीजें हमारे जीवन में हो जाती है उनको एक्सेप्ट कैसे करें, माना कोई परिस्थिति आप बोल रही है ना? जी, कोई परिस्थिति या कोई भी बात जिसे हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना मन की ताकत को बढ़ाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज्ञान जो परमात्मा हमें देता है उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैं, मुझे याद आता है एक बहन, एक माता हमारे यहाँ पर आती थी, और उनके 29 साल के बेटे ने अचानक शरीर छोड़ दिया। अब एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है ये सब कुछ एक्सेप्ट करना। तो उसने अभी 6-7 साल हो गए अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी तक रोती रहती है, अभी तक वो प्रॉब्लम्स में ना दुख होता है। अभी उसको एक्सेप्ट कैसे करें? अभी ये तो हमारे बस में नहीं है ना, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे करें? अपने आप को समझाए हर कोई, इसलिए तो आत्मा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई आत्मा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। जब वो पार्ट खत्म हो जाएगा, वो आत्मा शरीर छोड़ के अपना दूसरा पार्ट बजाने चली जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान को न होने के कारण हम लोग क्या चाहते करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई जैसे बोलते हैं ना, एक राज छुपा हुआ है। तो उस राज को जानने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्ञान को ठीक तरह से समझें। अभी आपको ये जो सब कुछ यूथ का प्रोग्राम चल रहा है उसमें
ये ट्रेलर है एक्चुअली स्पीकिंग, ये ट्रेलर है, लेकिन इससे बहुत अच्छा ज्ञान परमात्मा ने दिया है जो हर क्वेश्चन का आंसर देता है। तो आंसर जब हमें मिलता है तभी क्या हो जाता है, आंसर जब हमें मिलता है तभी हमारे मन में स्टेबिलिटी आ जाती है। और इसीलिए ज्ञान को समझना और ये अपने आप को कहना कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है, मुझे वो आदत क्या पड़ी है ना, पहले पहले बुराई को देखना, अभी उसी को चेंज करना है कि चलो किसी, ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि किसी का शरीर छूट जाना, लेकिन ये मालूम है ना कभी तो छूटेगा, अभी इसको भूल गए, इसको इस राज को भूल गए तो दुख होगा। लेकिन एक्सेप्ट कब करें कि पहला तो संकल्प ये करें कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा राज है और उसमें कल्याण है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये नजरिया जब बदलेगा तब चीजें एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है जी, अगर दो पर्सन क्वारल कर रहे हैं तो उन्हें शांत कैसे किया जाए? अच्छा पहले तो हम शांत रहे, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आग लगती है तो आग में पानी डालना होता है, घी नहीं डालना होता है। और इसीलिए सबसे पहले तो ये संकल्प करें, दोनों अपने अपने हिसाब से सही है, और माना सही है माना लेट देम क्वारल ऐसा नहीं, लेकिन उसके पीछे कोई राज हो सकता है ना, क्या हुआ है उनके जीवन में हमें क्या मालूम। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि वो अपने अपने हिसाब से अपना पार्ट बजा रहे हैं, हम शांत रहें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जनरली क्या होता है, झगड़ा देख, इवन टीवी पर भी जो झगड़ा होता है, टीवी पर ये न्यूज एंकर्स जो होते हैं वो बहुत सारी गुस्से से बात करते हैं, वो देख के हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम दूसरों की एनर्जी को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और स्पेशली निगेटिव एनर्जी को। तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद के प्रति है कि मैं अपने को शांत रखूं, अपने ऊपर काम करूं, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करूं, और उसके बाद अगर हम कम्युनिकेट करें तो उसका वो जैसे कहते हैं तीर लग जाएगा। जब हम खुद ही एक्सेप्ट हो, जब हम खुद ही गुस्सा करते हैं उनका गुस्सा देख के, उनका झगड़ा देख के, और फिर उसके बाद अगर हम उसको बताने जाए तो फिर उसमें कहते हैं कि जैसे आग में हमने घी डाल दिया है, क्योंकि मेरी अंदर की एनर्जी ठीक नहीं है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वही है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें और अपने को शांत रखें, फिर कम्युनिकेट करें, तो फिर वो जैसे कहते हैं कि वो फिर शांत हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक एक सेकंड में चेंज हो जाएगा, पर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट टुवर्ड्स मी देन टू अदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने हमें एक और दिन समय दिया और हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कल इसी समय पर हम फिर से मिलेंगे। ओम शांति, गुड नाइट।